हेलो साथियों, आज है 7 तारीख और मॉर्निंग का पेपर शुरू हुआ है। 9 तारीख को फर्स्ट का पेपर स्टार्ट हो चुका है। हमारे साथी है जो यहाँ पे पेपर देके आए हैं अभी अभी, और इन्होंने अभी कैसा पेपर हुआ कैसा नहीं इसके बारे में पूछेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, हार्ड हुआ या कैसा, पूरा जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। देखिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। क्या चैनल है? स्टडी नंबर 1 क्लासेस। देखेंगे क्या है। भाई साहब कैसा रहा पैटर्न? सर पैटर्न जो हमारे को पहले से पढ़ता हुई था सिलेबस के अनुसार रहा पेपर। अच्छा, जिस विद्यार्थी ने अच्छी सी तैयारी की होगी उसका पेपर अच्छा गया। अच्छा, और महिला और बालिका से कैसे क्वेश्चन आए? जो उसके संबंधित थे उसे पॉक्सो एक्ट से भी एक सवाल आया था, और 10 बार प्रस्तावित थे तो 10 बार पूछे गए, 2-3 धाराओं के बारे में पूछा गया था, और रीजनिंग और उसमें कंप्यूटर साथ में मिला हुआ था। तो उसमें किस प्रकार के रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आए या कंप्यूटर के ज्यादा? दोनों के सर 30-30 क्वेश्चन थे। अच्छा, 30-30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन आए थे और कंप्यूटर के भी 30 क्वेश्चन आए। और करंट अफेयर से बच्चे सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो बोल रहे हैं करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आए, आप बताना चाहेंगे? करंट अफेयर से, करंट अफेयर से खेल जगत से जुड़े भी 4-5 क्वेश्चन देखे गए, उससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। और बाकी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते, कला संस्कृति भी और राजस्थान जीके का। भैया पैटर्न आप बताना चाहेंगे, राजस्थान जीके का पैटर्न कैसा रहा, मतलब मीडियम रहा या हाई लेवल डीपली कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? राजस्थान जीके बहुत इजी रहा। अच्छा, जिसने पढ़ा राजस्थान जीके उसके लिए तो बहुत इजी रहा इस पेपर के हिसाब से। अच्छा अच्छा, और इंडिया के जो साइंस के क्वेश्चन भी आए होंगे, इसमें कितने क्वेश्चन आए करीबन साइंस के? साइंस के लगभग 4-5 क्वेश्चन आए हैं, और अगली बार साइंस को पता नहीं, पिछली बार साइंस को सबको पीछे रख दिया था, लेकिन अगली बार साइंस का नाम हमेशा नहीं। अच्छा, पिछली बार का जो 2018 में जो पेपर हुआ था उसकी साइंस बहुत ही ज़्यादा हार्ड आई थी, और अब के बार की साइंस इतनी ज़्यादा नहीं पूछी गई है। और राजस्थान जो इंडिया लेवल के जो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, उसके कैसे क्वेश्चन आए? इंडिया के लेवल के कठिन आए। और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन, और करंट अफेयर के मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे 6 महीनों से 12 महीने के 3 महीनों के कहाँ तक के? आप बताना चाहिए। अच्छा, 2019 का और 2020 का। अच्छा, यहाँ पे मतलब करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा 2019 और 20 का। करीबन कितने करंट अफेयर के आ रहे हैं? 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। महिला और बालिका से संबंधित कोई क्वेश्चन शिफ्ट हुई थी, उनमें ज्यादा आए थे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ये शिफ्ट है, इसमें जो कल वाले थे उसमें करंट अफेयर के ज्यादा आए थे, आज वाले में उतने नहीं आए। इसका मतलब पेपर का लेवल उसी हिसाब से बनाया गया है। और आप बताना चाहेंगे आपने कितने अटेंड किए? 125 क्वेश्चन अटेंड किए इन्होंने। पेपर आपको कैसा लगा पैटर्न? आपको जैसे हाई था या मीडियम था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आप भी बोलना चाहेंगे? अच्छा, रीजनिंग और कंप्यूटर का जो 7 दिए हुए थे, 60 क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से जो कंप्यूटर का है उसी पे मेरिट आधारित होगी। जिन्होंने कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी की थी उनके मेरिट कंप्यूटर के क्वेश्चन पे आधारित होगी। एक दो क्वेश्चन बता दो। आउटपुट इनपुट है, आउटपुट इनपुट है, कोई भी कहीं आउटपुट इनपुट है, इनपुट है, आउटपुट है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, आउटपुट है, इनपुट है, सॉफ्टवेयर से संबंधित है। अच्छा, यानी कि आउटपुट है, इनपुट है, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, हार्डवेयर है, इससे संबंधित कंप्यूटर के जैसे डीपली पूछे गए या ऊपरा ऊपरी? बराबर, ज्यादा डीपली नहीं पूछे गए थे। चलो।